नेशनल हाईवे NH3 पर बीनागंज से आगे नैतिया खेड़ी मोड़ पर भिंड से टारसी जा रहे कार सवार 6 लोगों के साथ बदमाशों ने उस समय लूटपाट की जब वे सड़क किनारे रात्रि में गाड़ी लगाकर आराम कर रहे थे। चांचौड़ा थाना TI राकेश गुप्ता ने बताया कि बदमाशों ने गाड़ी को गांव के रास्ते पर ले जाकर 45,000 रुपये मोबाइल आदि लूट लिए। घटना का अज्ञात में मामला दर्ज कर बदमाशों को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। बीनागंज से RK शर्मा की रिपोर्ट। कहाँ इटारसी आ रहे थे? क्या कहाँ पे रुके थे तुम? रुके कहाँ खेड़ी गाँव गाँव में नित्या खेड़ी गाँव। अच्छा, तो कितने लोग थे? वो 8 लोग थे। 8 लोग थे और आप लोग? 6 दारू वारू की बोतल थी, पत्थर दारू वारू की बोतलें थी और लोहे की रॉड थी। तो क्या क्या छुड़ा ले गए आपसे? पैसा ले गए और तो सामान फाउन दे। और मोबाइल वोबाइल कुछ? मोबाइल ले गए, सामान वामान, एक झोला वोला, एक कपड़ा ले गए। अच्छा, कपड़े भी ले गए? सर आज जो ये घटना घटी है नेता खेड़ी पे, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए। एक कार से भिंड से 5-6 लोग इटारसी जा रहे थे और रात में उनको नींद आई तो कोटरा के पास नेता खेड़ी के मोड़ पर खड़ी करके गाड़ी और सो गए। कुछ देर बाद बदमाश आए और उनकी गाड़ी को ड्राइव करके नीचे नेता खड़ी वाली रास्ते पर ले गए और आगे जाकर उन्होंने उनकी मारपीट करी और उनके पैसे वैसे छुड़ा लिए और वहाँ से भाग गए। कुल 4 बदमाश थे जिन्होंने ये घटना घटित की है। अज्ञात बदमाशों की पुलिस तलाश कर रही है। ये कितना क्या नुकसान है इन लोगों का? उनका कहना था हमारे सब लोगों के मिला के करीब 40-45,000 रुपये थे जो बदमाश लूट कर ले गए हैं। इन लोगों को मारपीट में चोटें वगैरह? चोटें आई हैं और उनमें 3 लोगों के, जिनका एक के सिर में चोट थी तो वो गुना रेफर हो गया था, वहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। अच्छा, तो मतलब कितने लोगों को चोट आई सर? 3-4 लोगों को। 4 लोगों को ही? कुल कितने? 6 व्यक्ति थे? 6 लोग थे। अच्छा, ड्राइवर को छोड़ के 5 लोग। हाँ। तो ये पैसेंजर गाड़ी करके लाए थे कि निजी गाड़ी? किराए से गाड़ी करके लाए थे और ये इटारसी जा रहे थे। सभी लोग भिंड जिले के थे।